जे आपां इह बचन श्रवण करदे हां कि संत ग्यानी जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले महापुरख 101 पाठ जपजी साहब का करते सन हर रोज़ नितनेम सवेरे ही 10 बजे तो पहला पहला है नहीं सारा सारा दिन सवेरे 10 बजे तो पहला ही कर लेंगे सन अपना नितनेम ता आम जिहड़ा इंसान होगा ना जिन्हें कदे जपजी साहब गुरबाणी का पाठ नहीं किया उन्हें कहना कि इदा हो ही नहीं सकता जिन्हें मेरे वाग 15-20 मिनटां जे जपजी साहब गुरबाणी का पाठ करना उन्हें कहना ना ना इदा हो ही नहीं सकता। हर रोज़ कौन 101 पाठ जपजी साहब का कर लवेगा जे करके 15 मिनटां विच भी होवे तो फिर 24 घंटे होंगे तो सारा सारा दिन कितने कोई जपजी साहब पढ़ता होगा। भाव कि जितों तक सोच है जितों तक बुद्धि है मनुख उतों तक ही सोचता है पर नहीं साध संगत जी उन्हां महापुरखों ने भी हौली हौली शुरुआत की। पहला 5 पाठ फिर 10 पाठ 11 पाठ 25 पाठ 25 तो हौली हौली 51 पाठ ये महापुरखों ने आप दसिया सिंघां नूं कि बचपन दे विच असी एदां की महापुरख करिया करदे सन रोडे नगर दे विच कि नाले तां खेती करनी हल वाहुणे महापुरखों ने उन्हां समय बलदां दे नाल हल वाहे जांदे सन हल दी एक सियाड़ लै जानी एक सियाड़ लिजांदे एक जपजी साहब का पाठ कर लेना जो दूसरे पासे आना तो दूजा पाठ कर लेना। इदा महापुरख गिन गिन के हर रोज़ जपजी साहब गुरबाणी का अभ्यास करते सन। अभ्यास बोलिया जाता कोई मूल मंत्र का अभ्यास करता कोई गुरबाणी पढ़न का अभ्यास करता कोई वाहगुरु मंत्र का अभ्यास करता। अभ्यास तो भाव कि वार वार कार्य करना अभ्यास करने के नाल फिर साध संगत जो हौली हौली पक जाता जो वार वार करिए ना फिर गुरबाणी चलंत होंदी है जिते पहला 15 मिनटां विच करदे सी बाद दे विच उही जपजी साहब साडा 10 मिनट दे विच होण लग पैंदा 10 मिनट तो बाद हौली हौली 5 मिनटां ते भी आ जाता जिहड़ा अभ्यास करता हर रोज़ तो साध संगत जी यहोजी भी कृपा हो जाती उही जपजी साहब गुरबाणी का पाठ बाद 2 मिनटां विच भी हो जाता जो सुरती दे विच चला जाता है। तो हुण कहना कि 2 मिनटां च कौन जपजी साहब पढ़ लवेगा ये साध संगत जी महापुरख करिया करते सन 2 मिनट विच जपजी साहब गुरबाणी का पाठ क्योंकि उदों सुरत दे विच चलिया जाता है जो गुरबाणी सुरत दे विच चली जाए ना फिर बड़े सौखे ढंग दे नाल आसानी दे नाल साध संगत जी ओ 100 तां कह लवो कि एक आम जी गिणती है महापुरख वध वी जपजी साहब गुरबाणी दे पाठ करिया करदे सन। संत ग्यानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरख दमदमी टकसाल दे 13वें मुखी उस साध संगत जी 20 मिनटां दे विच सुखमनी साहब गुरबाणी का पाठ करदिया करदे सन वह भी बोल के सुना के इहनूं कहिंदे अभ्यास। गुरबाणी वार वार पढ़न दे नाल जो गुरु की बख्शिश हुंदी है सो ये महापुरखां ने जीवन ढालिया आप कमाई की थोड़े तो शुरू किया। संत ग्यानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले वो अपना जीवन काल इदा ही दस्या करते सन सिंघां नूं समझाउणा कि सिंघो एक तो शुरू करो जे अज एक कीता ते हफ्ता एक एक करो तो फिर 2 कर दवो फिर 3 कर दवो चौपाई साहब गुरबाणी दे पाठ करिया करो क्योंकि ज़्यादातर सानू ये कहा जाता कि गुरबाणी वार वार पढ़न दे नाल वार वार सुन दे नाल कुछ नहीं हुंदा गुरबाणी नूं समझना चाहिदा है गुरबाणी दे अर्थ समझने चाहिए हैं अर्थ बोध आने चाहिए हैं सही आ साध संगत जी गुरबाणी दे अर्थ भी समझने चाहिए हैं गुरबाणी सानू की उपदेश दे रही है समझना चाहिदा है पर गुरबाणी दा अभ्यास करना वार वार पढ़ना भी गुरबाणी दी बख्शिश है दया है। महापुरख वार वार अभ्यास करदे
ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਰਸ਼ੀਆ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ 250 ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲਾਈ ਹੈ।